तो जैसा कि तुम लोगों को पता है, अभी व्हाट्सएप ने ऑफिशियली बोल दिया है कि तुम एक अकाउंट को चार फ़ोन में लॉगिन कर सकते हो, मतलब दो या तीन या फिर चार अकाउंट में। तो आज मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ कैसे तुम वो कर सकते हो। अभी प्रॉब्लम आ रही है मतलब लोगों को कि वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में लॉगिन कर रहे हैं, बट जो मेन अकाउंट है वो लॉग आउट हुआ जा रहा है। तो आज मैं इसी का सोल्यूशन लेके आऊँ कैसे तुम लोग कर सकते हो। सिंपली यार तुम्हें जिस फ़ोन में दूसरे का व्हाट्सएप यूज़ करना है, एक तुम्हें व्हाट्सएप डाउनलोड करना है, जैसे मैंने ये इंस्टॉल किया, एंड देख लेना कि अपडेट हो। तो यहाँ पे तुम्हें एग्री एंड कंटिन्यू करना है, एंड फिर यहाँ पे जो नंबर डालने का ऑप्शन आता है जिसमें कि तुम जिसका व्हाट्सएप चलाना चाहते हो उसका नंबर डालोगे, बट तुम्हें नंबर यहाँ पे नहीं डालना है। तुम्हें करना है कि हाँ यहाँ पर लॉग इन टू एग्जिस्टिंग अकाउंट, यहाँ पर आप तीन डॉट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिंक टू एग्जिस्टिंग अकाउंट पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर ना तुम्हें एक QR दिख जाएगा। अब तुम्हें ये जो QR है वो दूसरे के फ़ोन में जो है स्कैन करना है। मैं स्कैन करके दिखा देता हूँ। अगर आप मान लो मेरे को इस फ़ोन का WhatsApp जो इसमें यूज़ करना है, तो सिंपली मैं करूँगा क्या, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे लिंक डिवाइस है, इस पर मैं क्लिक करूँगा, एंड यहाँ पे जो इसका ये जो लिंक डिवाइस का सेक्शन है मैं इस पर क्लिक करूँगा, एंड यहाँ पर मैं यूज़ मोबाइल डेटा ऑन कर दूँगा। फिर तुम्हें जो QR है यहाँ पर स्कैन करना है, जैसे मैं स्कैन कर रहा हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो, सिंपली स्कैन कर लेना है सही से, एंड यहाँ पे देख सकते हो लॉगिन हो चुका है, लॉगिंग इन लिख के आ रहा है, एंड यहाँ पे लॉगिन हो रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो सारी जो चैट्स हैं वो सब यहाँ पे इनिशियलाइजिंग हो रहा है, एंड यहाँ पे देख सकते हो सेम वैसा ही व्हाट्सएप सेम खुल चुका है, एंड इसे तुम यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हो और चार फोन से और भी कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। एंड यहाँ पे देख सकते हो सेम वैसा ही व्हाट्सएप है जैसा मेरे इस फ़ोन में, एंड यहाँ पे एक फ़ोन पे दिखा भी देगा कि आपका जो व्हाट्सएप है इस फ़ोन में लॉगिन है।